सब्सक्राइब कीजिए दिनेश कुशवाहा चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुशवाहा और आप सभी का एक बार फिर इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप फोन पे ऐप की सहायता से 175 रुपए का कैशबैक या उससे भी अधिक का कैशबैक कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले अपना फ़ोन पे वॉलेट ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे नीचे पासवर्ड डालना है। और आपका पहले से फोन पे अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल आईडी और पासवर्ड सिलेक्ट करके अपना नया फोन पे अकाउंट बना सकते हैं। मेरा फोन पे अकाउंट पहले से ही बना हुआ है तो मैं डायरेक्ट इसे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लॉगिन अपना काउंट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और यहाँ पे नीचे पासवर्ड डालना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है फोन पे वॉलेट से। यहाँ पे सिम सेलेक्ट करनी है और सेंड एसएमएस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पे आपको अपना बैंक सिलेक्ट कर लेना है। आपका अकाउंट जिस बैंक में हो वह बैंक आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे सर्च बार में बैंक को सर्च भी कर सकते हैं। मेरा बैंक अकाउंट पंजाब एंड सिंध बैंक में है तो मैं अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये आपको बोलेगा सेट यूपीआई पिन। आपको अपने एटीएम के लास्ट के 6 डिजिट यहाँ पे एंटर करने हैं। यहाँ पे आपको एक्सपायर डेट डालनी है एटीएम की और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको OTP डालना है और नीचे सेट आपको अपना UPI को एक सेलेक्ट कर लेना है। आप कोई भी अपने 4 अंकों का UPI सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके कर देना है। कंफर्म UPI पिन डालना है आपको यहाँ पे और ओके कर देना है। यहाँ पे आपको डन कर देना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके अकाउंट में अभी बैलेंस 0 है, वॉलेट बैलेंस 0। अभी होम पे जाके आपको 200 रुपये किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे तो आपको 100 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। टू अकाउंट पे जाना है आपको और ऐड बैंक अकाउंट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको बैंक IFC कोड डालना है। आपको नीचे अकाउंट नंबर डालना है। मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपको कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है, मतलब आपको अकाउंट नंबर डबल से डालना है।
आपका अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे आपका अकाउंट में जो नाम ऐड है वो वाला नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है। आपको फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना है नीचे। फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद निकनेम डालना है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और कंफर्म कर देना है आपको यहाँ पे। और ये नोट को यहाँ पे आपको अकाउंट पे एंटर करके क्लिक करके आपको यहाँ पे आपको 200 रुपये एंटर करने हैं। 200 रुपये सेंड करने पर आपको 100 रुपये कैशबैक मिल जाता है। फिर 200 रुपये आपको सेंड करने हैं, सेंड कर देने हैं। यहाँ पे आपको UPI पिन डालना है। ट्रांजेक्शन पेंडिंग, और ये हमारा ट्रांजेक्शन हो चुका है। यहाँ पे आपको इसे क्लोज कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। 20 अगस्त 2017 को मैं किया था ट्रांजेक्शन। अब आप यहाँ पे माय अकाउंट में जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में 100 रुपये का कैशबैक आ चुका है। अब आपको जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपये का कैशबैक आ चुका है। अब आपको यहाँ पे होम पे जाके आप अपना कोई भी रिचार्ज कर सकते हैं इस 100 रुपये से। मैं आपको एक जियो रिचार्ज करके दिखाता हूँ कि आप जियो रिचार्ज से आप एक्स्ट्रा 75 रुपये का कैशबैक और मिलेगा आपको। मैं यहाँ पे 399 रुपये वाला जो जियो रिचार्ज होता है उसे करके दिखाने वाला हूँ आपको। होम पे जाके यहाँ पे आपको मोबाइल में जाना है। आपको यहाँ पे 399 का रिचार्ज करना है को जियो का। आपको यहाँ पे नंबर डालना है जियो का। मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल देता हूँ। उस पर ओके कर देना है। यहाँ पे रिचार्ज प्लान्स पे जाना है, 399 सेलेक्ट करना है, रिचार्ज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको UPI पिन एंटर करना है। सेंडिंग रिचार्ज रिक्वेस्ट प्रोसेस चल रही है, कुछ टाइम बाद ये रिचार्ज हो जाएगा। रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन कम्प्लीट। ये 299 रुपये हमारे अकाउंट से कटे हैं, बाकी के 100 रुपये फ़ोन पे वॉलेट से कटे हैं। और यहाँ पे आप डबल से जाकर देख सकते हैं कि 75 रुपये का कैशबैक हमको डबल से प्राप्त हुआ है। आप इस 75 रुपये का को किसी के मोबाइल में रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे द्वारा डाली गई समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।